गरियाबंद जिले में पीड़ित कमार परिवार ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत करने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम गठित कर दिया है। जांच टीम छुरा छत्तीसगढ़ संकल्प हॉस्पिटल पहुंचकर बारीकी से जांच कर पूछताछ भी कर रहे हैं। छुरा ब्लॉक मुख्यालय में स्थित बहुचर्चित छत्तीसगढ़ संकल्प हॉस्पिटल पर पीड़िता परिवार उमेश कमार द्वारा आरोप लगाया गया है कि गर्भवती महिला की इलाज में लापरवाही बढ़ती गई है, जिसमें लगभग 7 से 8 माह के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। अब देखना यह है कि जांच कब तक चलेगी, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार परिवार को क्या न्याय मिल पाएगा। तो वहीं जांच टीम के सदस्य हरीश चौहान ने बताया कि जांच अभी चल रही है, जांच पूरी होने पर रिपोर्ट सौंपेंगे। चूड़ा में स्थित छत्तीसगढ़ अस्पताल है, वहां पर 21 तारीख रात को जो है कमार महिला जो इलाज के लिए वहां पे गई हुई थी, परिजन लेकर के गए थे, गर्भवती थी और वहां पे इलाज कराने के बाद वो घर वापस आ गई थी। लगभग रात को ही 11-12 बजे के आसपास में घर आ गई थी। उसके बाद फिर से लोग रात को जब दर्द उठा तो वो लोग फिर से गए अस्पताल में ले जा करके, वहां पे परिजन जो है लेकर के वहां पहुंचे और उसके बाद डॉक्टरों ने चेकिंग करने के बाद उन्होंने बताया गया कि बच्चा जो है मृत हो गया है और निश्चित तौर पर संदेहास्पद मामला है। वहाँ पे परिजन जो है कंप्लेंट भी की डॉक्टर से कि देखिए भाई हम आपके पास इलाज भी कराने आए थे, आप उस समय आप लोगों को बताना था लेकिन हम लोग अभी यहाँ आप बता रहे हैं कि बच्चा मृत हो गया है। तो वहाँ पे ये कहा गया कि नहीं नहीं बच्चा मृत हो गया है, डॉक्टर के द्वारा ये कहा गया। तो परिजन जो है सेकेंड डे वो लोग शिकायत करने के लिए भी गए हुए थे लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि शिकायत उनका नहीं लिया जा रहा है। बड़ा गंभीर मामला है, निश्चित तौर पर पूरा संज्ञान लिया गया, सामाजिक तौर पर ये बात को रखी जाएगी समाज के भीतर में और ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं ये लोग। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी ये विडंबना है कि देखा जाए इसमें से प्रशासन को गंभीरता से ध्यान लेना चाहिए और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल का पोल खोलता हुआ नजर दिख रहा है। अगर सरकारी अस्पताल में पूरी व्यवस्थाएं अगर रहता तो ये जो गरीब तबके के लोग हैं और जो निर्धन तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल को रुख नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी समझा जा सकता है कि सरकारी अस्पताल का पोल खोलता हुआ नजर यहाँ पे दिख रहा है कि एक तरफ कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कमियां भी नजर आ रही है, एक तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सांठगांठ नजर आता है। तो देखा जाए हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरासर ये गलती क्षेत्रीय अस्पताल के संचालक के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और हम चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बारीकी से जांच होनी चाहिए। वहां पे जितने डॉक्टर जो पदस्थ हैं क्या वो डिग्रीधारी हैं।